बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो नया टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर। सही, तो आज आपको मैं समझाऊंगी कि आप किस तरह नेटवर्किंग में प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को और देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसफर किस तरह होता है, क्या। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है ना कंप्यूटर में प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर किस तरह होता है। इफ़ वी रिकॉल द TCP/IP मॉडल एज शोन इन द फिगर, जो आगे फिगर में दिया गया है, क्या है कि इन दिस टॉपिक ऑल फोकस विल बी ऑन नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि हम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस तरह, कौन सा ऐसे टेक्निक, कौन से ऐसे प्रिंसिपल असूल होनी चाहिए कि जिसके थ्रू हमारे पास ये ट्रांसमिशन रिलायबल तरीके से हो जाए। सही है स्टूडेंट, तो अभी इसी को कंटिन्यू रखेंगे और इसी के रिलेटेड हमारे पास जो डायग्राम है, जो फिगर है, इसी फिगर को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा कंप्यूटर नेटवर्क पर आएंगे। नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या होता है कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू होस्ट डिलीवरी ऑफ ए सिंगल डेटाग्राम एट केवास एप ले लोड एंड डेस्टिनेशन IP। We will create a single datagram containing the payload and make the best offer to deliver it to the destination, but can offer no guarantee of the delivery. The packet can get corrupted or lost. तो ये तुम्हारे पास था सिंपल नेटवर्क लेयर के, हमारे पास इसमें सारा कुछ किस तरह होता है। हमारे पास पेलोड एंड डेस्टिनेशन IP देता है हमारे पास, इसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं सिंगल डेटाग्राम जो कंटेन करते हैं पेलोड एंड बनाता है बेस्ट ऑफर के, जिसके थ्रू हम डिलीवर कर सके अपने डेटा को। इसके बाद ज़रा ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज जो है ना डिलीवरी कर सके सर्विस को और एप्लीकेशन के लिए, विच कैन बी रिलायबल एंड एन ऑर्डर TCP आर बेस्ट ऑफर UDP। TCP केवर्स मैसेज एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट एंड डेस्टिनेशन IP and ports address and will be split it into the segment and deliver them reliably and in order to the correct process socket at destination host, while UDP give us a message and a destination IP and port address. We will make a best offer deliver and deliver best offer deliver opted message a single packet to the correct socket at the destination. The question is how can reliable data transfer possibly using the unreliable delivery service provided by network layer? The answer is by using the acknowledgement sequence number and timer etc. हमारे पास यही क्वेश्चन भी यही आ रहा है होगा ना कि हम किस तरह रिलायबल डेटा को ट्रांसफ़र कर सके, पॉसिबली यूजिंग भी करें हम आर रिलायबल डिलीवरी सर्विस को और प्रोवाइड भी करें हम एंड नेटवर्क लेयर को। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर है बेस्ट क्या यूज़ करेंगे एक्नॉलेजमेंट को सीक्वेंस नंबर एंड
टाइमर्स एक्सेट्रा को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसके थ्रू हमारे पास जो है ना क्या होगा, ये इस तरह सारा कुछ काम होगा। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा रिलायबल डेटा ट्रांसफर को करेंगे। लेट्स बिगिन विद सम सिंपल अजम्पशन दैट वन साइड इज द सेंडर एंड द अदर इज द रिसीवर। द सेंडर सेंड्स डेटा, द रिसीवर सेंड बैक। एक्नॉलेजमेंट इज अ लॉजी अनरिलायबल चैनल। अ पैकेट कैन गेट करप्टेड विद प्रोबेबिलिटी बी करप्टेड। अ पैकेट कैन गेट लूज्ड विद प्रोबेबिलिटी बी लूज। एंड पैकेट आर डिलीवर एन ऑर्डर इफ ऑल पैकेट विल नॉट गेट रीऑर्डर। क्लियर है? तो हम रिलायबल डेटा ट्रांसफर की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें यही होगा ना कि हम एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, तो इसके बेस पर हमारे पास ही रिलायबिलिटी आएगी। अब सिनेरियो, इसके डिफरेंस हमारे पास सिनेरियो आएंगे। फर्स्ट सिनेरियो में हम देखेंगे रिलायबल डेटा ट्रांसफर RDD 1.0। ए परफेक्ट रिलायबल चैनल, पी करप्शन इक्वल है 0 एंड पी लूज इक्वल है 0। एंड दिस सिनेरियो फ्रॉम द पेगर टू में क्या है कि सेंडिंग एप्लीकेशन एंड रिसीविंग एप्लीकेशन आर टेक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। दैट इज RTD सेंडर एंड RTD रिसीवर आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू एक चैनल नेम डेटा एंड एक एक्नॉलेजमेंट। अनरिलायबल चैनल मीन डेटा में भी लूज। डेटा हमारे पास क्या होगा, डेटा में भी लूज आर करप्ट विद सम प्रोबेबिलिटी डॉट RTD अंडरस्कोर सेंड मीन रिलायबल। अच्छा, ट्रांसफर डेटा वाइल UTD सेंड मीन अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर। सेंडिंग एप्लीकेशन वांट टू सेंड मैसेज बाय यूजिंग RTD सेंड टू RTD सेंडर। द UTD सेंड फंक्शन इज यूज बाय RTD सेंडर टू सेंड मैसेज बाय डेटा चैनल टू RTD रिसीवर। द RTD रिसीवर एक्सट्रा इंफॉर्मेशन एंड सेंड एड टू द receiving application by calling deliver data function. The acknowledgement is sent by RTD receiver by using UTD send function. The acknowledgement channel will be used to receive the acknowledgement by RTD_RCV of RTD send data. I receive the message. Error are loose. ओके, जरा आप इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास एक तरफ सेंडर एप्लीकेशन है, दूसरे पर रिसीविंग एप्लीकेशन है। RTD सेंड करता है और दूसरी तरफ डिलीवर डेटा आ जाता है। तो RTD रिसीव करेगा, RTD सेंड करेगा, UDP सेंड तो डेटा आएगा और वहाँ पर RTD रिसीवर पर आएगा और सहा ऊपर रिसीविंग एप्लीकेशन तक जाएगा। दूसरे में जरा देखिए बैक में RTD रिसीवर से एक्नॉलेज में आके हमारे पास RDC रिसीव में चला जाएगा, जो हमारे पास अनरिलायबल चैनल हो गया। सिनेरियो नंबर टू को देख ले के रिलायबल डेटा ट्रांसफर 2.0 बिट एरर आर पॉसिबल। पी करप्शन 0, पी अंडरस्कोर लूज इक्वल है 0। द रिसीवर नीड सम मैकेनिज्म टू फाइंड आउट पैकेट वाज करप्टेड बाय सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट आर नेगेटिव रिस्पांस। एक्नॉलेजमेंट नेक, इफ द रिस्पांस इज नेगेटिव देन सेंडर शुड रीट्रांसमिट अप टू अपन रिसीविंग ए नेक। वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सिंपल एनालॉजी एंड फिगर। पर्सन इज ए इज डिटेक्टिंग ए फोन नंबर टू पर्सन बी ओवर ए नॉइजी फोन कनेक्शन। इन द रिसीवर डिड नॉट कैच द नंबर 9 इन द यूज ही यूज नेक। कैन प्लीज रिपीट डेट फॉर एक्नॉलेजमेंट ही यूज ओके। ये हमारे पास है सिनेरियो नंबर टू और इसी में सारा कुछ इसी तरह
होता है, तो आप लोगों ने इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अच्छा अब ज़रा इसको देख ले, इस सीनियर नंबर 1 2 को, तो वहाँ पर देख ले हमारे पास क्या है कि 3 इस एक नंबर ने 3 को ऐड कर दिया, दूसरा उसने कहा ओके, फिर 9 पर क्या है करप्ट आ गया, तो कैन यू प्लीज़ रिपीट दिस, इसने कहा, तो इसने कहा कि 9 को रिपीट कर दिया, तो ओके कर दिया, और फिर अगेन इसहा 7 एंड ओके, ये हमारे पास सीनियर नंबर 2 हो गया।